कि इस मुल्क पे बेनजीर भुट्टो ने एक जुल्म किया था, एक गवाल मंडी के एवरेज माइंडेड आदमी को, कारोबारी आदमी को, जो मार्शल लॉ का आदमी था, जिसका कुछ भी नहीं था, उसको लीडर बना के चली गई, उसके साथ ऐसा गड्ढा लगाया, अड्डा लगाया, वो सीएम पंजाब था नवाज शरीफ बनाया, या उस वक्त नहीं, सबने मिलकर ना, फिर तो उसके बाद सीढ़ियां चढ़ती गई ना आई जी, उसके बाद तो कमाल हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद आज बीबी के तौर पे आज जो इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, आज इमरान खान साहब एक और जो जिस जो 28 जिसकी बड़ी खूबसूरत 28 ट्वीट एवरेज पर डे मरियम नवाज जो करती हैं, जो इस मुल्क में जो इसकी अब वैल्यू कोई बड़ा इस मुल्क में अब वैल्यू कोई नहीं कि कोई बंदा झूठ डिक्लेयर्ड झूठा हो उसकी कोई वैल्यू नहीं, डिक्लेयर्ड जालसाज हो उसकी कोई वैल्यू नहीं, डिक्लेयर्ड वो कौन सा फॉन्ट था झूठी, जिसका कोई गुर्बत से तल्लक नहीं, अवाम से कोई तल्लक नहीं, जिस जो जो जिसकी दो ख्वाहिशें हैं कि ये जो पीएम हाउस है इधर तक पहुंचना और वाले साहब को बाहर निकालना, इसके अलावा कोई कोई तल्लक नहीं। अब उसको ये इमरान खान साहब और इसकी इमरान खान ने उसकी जो सारी मैनेजमेंट मिलके वो उसको कर लीडर बनाने को, खुदा के लिए ये ना करें, इनको दें ये गवाल वो जो मंडी वाला था बावद्दीन मंडी वो भी करना चाहिए था, फैसलाबाद करना चाहिए था, कंटेनर्स मत लगाएं, रस्ते मत रोकें, इनको आज़ादी इजहार होना चाहिए, और दूसरी बात है इमरान खान साहब को खुद निकलना चाहिए, ये चीज़ों को करना चाहिए, ये नोटिस पे नहीं चलते मुल्क। वो चौधरी निसार ने मरियम को कहा था एक मरतबा के ट्विटर पे हुकूमतें नहीं चलती, इमरान खान साहब ट्विटर पे हुकूमतें नहीं चलती, आपको हुकूमत आपको फील्ड में आना पड़ेगा, आप फ्रंट फुट पे आए, आपको अच्छा। आपके अब 5-7 बंदे जो उनके इर्द गिर्द घेरा डाले अभी फ्रंट फुट पे नहीं खान साहब, इतने तो फ्रंट फुट पर आप क्या चाहते हैं कि ग्राउंड से। अच्छा वो जो आखिरी बात है वो 18वां गियर गुस्से में है इमरान खान साहब को, अब अल्लाह ने वो ही इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अल्लाह ने नवाज दिया है, अब तो ट्रंप भी उसको अजीम की आदत कह चुका है, ट्रंप भी उसको कह चुका है कि ट्रंप भी कह चुका है कि ताकतवर तरीन, ट्रंप भी कह चुका है कि ये करप्शन के खिलाफ कामयाब हो जाएगा, ट्रंप भी कह चुका है कि ये ग्रेट एथलीट है, ट्रंप भी कह चुका है इसके बगैर मैं निकल नहीं सकता, ट्रंप भी कह सकता है ये और पाकिस्तान में लेकर चलूंगा, ट्रंप भी कह सकता है अफगानिस्तान के बगैर इसको मैं नहीं निकल सकता, तो अब अगर ट्रंप कह चुका है तो ट्रंप का पत्ता चल चुका है, तो अब इन गरीबों को इन छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों के इनको जाने दें। अब ये गुफ्तगू का मेयार है, यानी तीन बार के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है वो अगर एक बार के प्राइम मिनिस्टर से की जाए तो फिर लड़ने के लिए आ जाते हैं। कुछ अकल से पैदल लोगों का ख्याल ही है कि मरियम नवाज खान साहब की वजह से लीडर बन रही है, और इन्हीं का इस्तेदलाल है कि खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं, बाकी सब कीड़े मकौड़े, यानी खुशाबत तो एक तरफ रही, बात तकबर तक पहुंच गई है, और अल्लाह को तकबर बिल्कुल पसंद नहीं है। खान साहब को अल्लाह ने इज्जत दी है, उन्हें हाकम बनाया है, लेकिन उनके हवायती उन्हें जबरदस्ती चने के झाड़ पर चलने की तरकीब दे रहे हैं। खान साहब को अच्छी तरह इल्म है कि अगर नवाज शरीफ उन्हें धरने से रोक देते, टीवी पर उनकी तकरीरों का ब्लैकआउट करा देते, अखबार में उनका बायकॉट कराते, तो खान साहब वहां ना होते जहां इस वक्त बैठे हैं। ऐसा शख्स जिस पर आपने माफिया होने का इल्जाम लगाया, उसने आपको किसी भी काम से नहीं रोका, मीडिया खरीदने का इल्जाम लगाया तो उसने आपका बिल्कुल ब्लैकआउट नहीं कराया, तो उसके लिए क्या मुश्किल था कि वो हालफिन को खांसने तक न देता, मगर वो नवाज शरीफ है जिन्होंने किसी के जमहूरी हक को सलम नहीं किया। आज तो अपोजिशन के जलसे और रैलियां भी रोकी जा रही, ब्लैकआउट भी किए जा रहे हैं, तो असल माफिया कौन है? सवाल ये, अगर नवाज शरीफ को बेनजीर ने लीडर बनाया तो फिर ये पूछा जाएगा खान साहब को किसने लीडर बनाया? तो कभी ये इल्जाम लगाते हैं आप कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में पलकर जवान हुए? हम तो यही सुनते रहे हैं कि नवाज शरीफ को जियाउलहक सियासत में लेकर आए, और ये तारीखी हकीकत भी है। आज तारीख से लाइव तजिया निगार ये दावे कर रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो ने नवाज शरीफ को लीडर बनाया, तो हकीकत ये है कि कोई किसी की वजह से लीडर नहीं बनता, अपनी खूबियों से लीडर बनता है, इक्तदार जिसके नसीब में होता है उसे ही मिलता है। बेनजीर भुट्टो की सारी जद्दोजहद मार्शल ला लगाने वाले और उनकी बाकियात के खिलाफ रही है। अब जो भी उस तरफ खड़ा था, चाहे वह नवाज शरीफ क्यों ना हो, वो बेनजीर की मुखालफत का निशाना बने। आज भी सिचुएशन वही है, फर्क सिर्फ ये है कि आज नवाज शरीफ उधर नहीं इधर खड़े हैं।